Yes, let's start. So, what did we study in the last class? Who will explain? कौन बताएगा पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हम एक्सरसाइज 6.1 और थ्योरम 6.1. हाँ, थ्योरम पढ़ी थी और उस थ्योरम में क्या था, क्या पढ़ा था हमने, क्या कहती है वो थ्योरम? मैम, अगर एक लाइन बनी हुई होगी किसी ट्रायंगल के पैरेलल साइड, तो वो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी और जो बाकी दो साइड होगी वो बराबर रेशियो में डिवाइड होगी. वेरी गुड. यस, दिस वाज, व्हिच थ्योरम वाज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थ्योरम? मैम, बीबीटी. मैम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. और क्या कहते हैं इस थ्योरम को? थेल्स कौन थे बेटा? थेल्स के नाम पर रखी गई है ना थ्योरम का नाम? मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन. ग्रीक मैथमेटिशियन. ठीक है, चलो आज आज का सेशन शुरू करें. यस मैम. तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का. इसमें आपको एक फिगर दी हुई है ये, और इसमें दो फिगर्स दी हुई हैं. एक्चुअली ये दो डायग्राम्स दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है. अब इसमें क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि ईसी की वैल्यू निकालो. ईसी की वैल्यू निकालो फर्स्ट पार्ट में और एडी की वैल्यू निकालो सेकेंड पार्ट में. तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, इसमें आपको ईसी की वैल्यू, ईसी की लेंथ निकालनी है. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसकी, बहुत बुरा ट्रायंगल बनाया मैंने, एक मिनट रुको जरा, प्रॉपर ट्रायंगल बनाते हैं. इसी को देख लेते हैं, यही वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं. ठीक है, इसी में समझा देती हूँ. अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें किसी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को किसी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है. इसका क्या मतलब है कि ये वाली साइड जो है जिस रेशियो में कट रही है उसी रेशियो में आपकी ये वाली साइड भी इंटरसेक्ट हो रही होगी. इसका मतलब क्या है कि AD अपॉन DB शुड बी इक्वल्स टू, अब आप बताएंगे आगे किसके बराबर होना चाहिए ये? AE अपॉन AC. AE अपॉन EC. ठीक है, AE अपॉन EC. ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. AD की वैल्यू कितनी है? 1.5 cm upon 3 cm is equal to 1 upon EC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 1 upon EC. 1.5 EC is equals to 3 आ जाएगा और यहाँ से EC की वैल्यू आपको मिलेगी 3 upon 1.5. 1.5 का डेसिमल हटा के आप ऊपर जीरो ले आइए, क्या मिलेगा आपको? 30 upon. तो EC की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 2 centimeter. 2 centimeter. बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? Yes ma'am. 100%. Yes ma'am. Okay. Now let's move on to this part. अब ये आप मुझे बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है सेकंड पार्ट में. इसमें भी यही करना है, AD की वैल्यू निकाल ली है. अच्छा ये बताइए, इस ट्रायंगल में कौन सी दो लाइंस पैरेलल है? DE एंड BC. यस, DE इज पैरेलल टू BE एंड AD. तो अब आप मुझे बताइए रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का. AD अपॉन DB. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD की वैल्यू नहीं पता? 7.2. वेरी गुड. अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. उससे करने से पहले आप इसे सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, राइट? यहाँ पे आप डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा.
क्योंकि इस डेसिमल का जीरो नीचे आएगा, इस डेसिमल का जीरो ऊपर जाएगा, वो कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिलेगा 18/54, और वो उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 18 ones are 18 एंड 18 threes are 54, तो 1/3 आ गया। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई? यस मैम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 380 equals to 7.2। यहाँ से AD की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 7.2 डिवाइडेड बाय 3, कितना मिलेगा आपको इसकी वैल्यू, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर वैल्यू, AD की वैल्यू। नोट किया सबने, समझ में आया सभी को, बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Note it down, then we'll move on to next question. Ma'am, note kar. Ma'am, note it down. Okay. Just a moment. Koi add hona chah raha hai? Let's see. Ye dekhiye. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायग्राम आपको नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो डायग्राम आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है, इसको इग्नोर कीजिएगा एक मिनट। बेटा टाइम से ऐड हुआ करो प्लीज, क्लास में टाइम से आया करो, बहुत डिस्टरबेंस होता है बार बार। अच्छा आगे देखिए, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. एक triangle PQR है, चलिए एक triangle बना लेते हैं, एक triangle बनाना पड़ेगा हमें, triangle PQR. ठीक है, ये बना लिया। अब question में हमें इन्होंने क्या कहा है आगे, इसका नाम दे देते हैं पहले, तो PQ and PR respectively of a triangle PQR, इस पे दो पॉइंट्स है E and F, ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट E और दूसरा पॉइंट इस साइड पे ले लेते हैं हम F। क्या कहा है इन्होंने कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये तीन केसेस आपको अलग अलग दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इन केसेस के लिए, इनमें से किन केसेस के लिए ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो ये रहा आपका ट्राइंगल पी क्यू आर और ई एफ लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया ई और एफ को, ठीक है। एफ पॉइंट को थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, ये रहा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से किस केस के लिए ई एफ और क्यू आर पैरेलल होगा। बेटा क्वेश्चन समझ में आया है सभी बच्चों को? यस मैम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं केस वन, सबसे पहले केस वन की बात करते हैं। तो केस वन में आपको क्या कहा है, पीई इज 3.9, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पीई इज 3.9, ठीक है। ई क्यू this side, this is 3 centimeter, EF is 3.6 centimeter, FR is 2.4 centimeter. अब आप मुझे बताइए बेटा, इन दोनों lines को parallel होने के लिए क्या condition होनी चाहिए? मैम angles corresponding होने चाहिए। corresponding sides जो हैं वो क्या होनी चाहिए, same ratio में divide होनी चाहिए, यानी proportional होनी चाहिए, है ना। तो अब आप बताइए क्या लिखना है हमें आगे, कैसे चेक करेंगे, बोलिए। PE upon EQ should be equals to PE upon FR. अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, 3.9 upon 3 is equals to 3.6 upon 2.4, ठीक है। हम इसे सॉल्व करके देखिए जरा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 39 upon 30 और यहाँ पे आपका डेसिमल हो गया कैंसिल आउट, ये मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 upon 10, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 2 से कैंसिल आउट करो तो 2 से करो या 4 से कर दीजिए, डायरेक्टली 4 से कर दीजिए, 4 9s are 36, 4 6s are
24 फिर 3 से हो जाएगा 3 3 are 9 3 by 2 तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिला 13/10 और राइट हैंड साइड पे मिला 3/2 LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल दैट मीन्स ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट केस के लिए EF पैरेलल होगा क्या QR के अब आप बताओ दोनों में से कौन सा केस मैं कर रहा हूँ बाकी एक आपको करना पड़ेगा बोली कौन सा केस मैं कर रहा हूँ करा दो थर्ड वाला ओके चलिए केस थ्री देखते हैं बेटा केस थ्री में आपको कहा है कि पी क्यू इनकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं जरा पी क्यू की वैल्यू इनकी चेंज हो गई है चेंज करते हैं एक मिनट ये इरेज हो गया है गलती से अब ठीक है पीई की वैल्यू है 1.28 सॉरी PQ की वैल्यू है 1.28 एक मिनट इसे इरेज करना पड़ेगा सो PQ कंप्लीट लेंथ दी हुई है इसकी 1.28 यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है दैट इज 1.28 सेंटीमीटर PR इज 2.56 इस पूरी की लेंथ दी हुई है आपको 2.56 PE की लेंथ आपको दी हुई है 0.18 और PF की लेंथ आपको दी हुई है 0.36 ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो बेटा यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ना एक छोटे वाला ट्राइंगल और एक बड़े वाला ट्राइंगल ये वाला ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स है कि नहीं PEF यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको ट्राइंगल PEF अच्छा ये कैसे पता चलेगा सिमिलर है नहीं है तो वो तो हम बाद में ही चेक करेंगे इसको आप दूसरे तरीके से कीजिए सिमिलैरिटी का फिर मैं बाद में समझाऊंगी आपको आप ऐसे कीजिए कि आपको इसकी लेंथ तो पता है PE की EQ की लेंथ निकाल सकते हो क्या आप यस मैम मैं बता मैम 1.28 में से 0.18 माइनस करके निकाल सकते हैं PR की लेंथ आपके पास 1.28 सेंटीमीटर है और PE की वैल्यू आपके पास 0.18 सेंटीमीटर है तो यहाँ से आपके पास EQ की लेंथ आ जाएगी कितनी 1.28 माइनस 0.18 दैट विल बी हाउ मच 1.10 ठीक है 1.10 यस ओके नाउ आपके पास FR की वैल्यू कितनी आएगी FR विल बी 2.56 minus 0.36 ठीक है अभी कैन यू फाइंड द रेशियो आप चेक कर सकते हो यस मैम तो चलिए चेक करते हैं बताइए क्या लिखना है हमें PE upon EQ is equal to PF upon FR ठीक है और यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं इनकी 0.18 अपॉन 1.10 इक्वल्स टू 0.36 2.20 मुझे तो देख के ही पता चल रहा है कि बराबर आएंगे क्योंकि देखो 18 का डबल यहाँ है और 11 का डबल यहाँ लिखा हुआ है डेसिमल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे आपको मिलेगा 18 अपॉन 110 और यहाँ मिलेगा आपको 36 अपॉन 220 इनको सॉल्व कर लीजिए आपको मिलेगा कितना मिलेगा सॉल्व करके आप बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगी लीस्ट इसे किससे कैंसिल आउट करेंगे फोर से कर सकते हैं क्या फोर से कर सकते हैं फोर नाइन जर 36 फोर फाइव जर 20 एंड फोर फाइव जर 20 दोनों की सेम वैल्यू आ गई
यस मैम यानी LHS equals to RHS. तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, ये कब होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल कब होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में, व्हेन EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है, व्हेन EF इज प्रोपोर्शनल इज पैरेलल टू QR. यहाँ आप मेंशन कर सकते हो कौन सी थ्योरम है, ये थ्योरम 6.1. यहाँ पे भी थ्योरम 6.1 अप्लाई किया. ओके, बोलो समझ में आया सभी बच्चों को? Yes. नोट इट डाउन एंड यू हैव टू डू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क. ओके लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. मैम नोट कर लिया. ओके ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और एक्सप्लेन कौन करेगा मुझे बताइए, एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ के बताइए. इन फिगर्स 6.18 इफ LM पैरेलल है सी बी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के. हाँ ये प्रूफ करना है हमें, कर सकते हैं क्या हम लोग ये प्रूफ, बोलो कैसे कैसे करेंगे बताओ, कौन बताएगा मुझे? मैं बताऊं? हाँ बताइए. पहले एनडी की वैल्यू वो निकाल लेंगे. मैम हमें पता है कि एल एम बी सी के पैरेलल है, तो ट्राइंगल ए बी सी को पहले प्रूव कर देंगे. बेटा थोड़ा 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 पूरे एक साथ नहीं बताना सारा, थोड़ा थोड़ा लेते हैं. तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी को कंसिडर करेंगे, है ना. तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब आप बताइए आगे क्या लिखे हम ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो रहा है. CM parallel CD. और अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा? AM equal to AL. AM upon AB will be equals to AN upon AD. नहीं, AN कहाँ से आ जाएगा? ये BC ABC की बात कर रहे हैं, बस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. मैम AL upon AC. AL upon LC. ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई. AM upon MB आएगा. मैम आपने AM upon MB होगा, मैम आपने AB क्यों लिखा है? रुको, मैं समझाती हूँ, एक मिनट देखो, अब आपको समझ में आएगा. मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ? मैं ये वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ बेटा, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल अभी हमने कंसीडर किया ही नहीं है. Only this triangle. But ma'am, AM upon MB तो आएगा. अच्छा सॉरी ये AB लिख दिया मैंने. ओके हाँ सॉरी. यस मैम. सॉरी एक मिनट इसे मैं ठीक कर देती हूँ. और अगर हम यहाँ पे AB ले तो क्या हम AB ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं. मैम ले सकते हैं. अगर हम यहाँ पे AB लेकिन AB तो यहाँ पे हमें पूरी लाइन लेनी पड़ेगी. AC हो जाएगा अगर LC AC हो जाएगा है ना? It will be AC. Yes, ma'am. भाई हमने क्या किया है, सिमिलर ट्राइंगल्स देखे हैं कि ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इसमें AML ये और बड़े वाला ट्राइंगल ABC ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है AM और बड़े वाले ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी AB. इसी तरीके से इसकी दूसरी वाली साइड है AL और हाँ बड़े वाली साइड हो जाएगी. क्लियर है? कौन सी थ्योरम अप्लाई की है यहाँ पे हमने? बीपीटी. बीपीटी थ्योरम. और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब कौन बताएगा आगे, आगे क्या होगा? मैम आप ट्रायंगल एसीडी में ही ऐसा करेंगे. हाँ, दूसरे वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे अब. ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है मैंने कलर कर दिया, नीचे वाला दूसरा ट्रायंगल. ठीक है, दिस वन. इसमें भी देखिए बेटा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें भी सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं. देखो
क्योंकि LN CD के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है। तो जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला मैं कलर कर देती हूँ, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ये और बड़ा ट्रायंगल जो है ओवरऑल ये वाला ADC, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लिखेंगे क्या, हम ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल है CD के, तो AN अपॉन, बोलो क्या बोल लिखेंगे, AN अपॉन ND AD AL अपॉन LAC। क्या डाउट है किसी को इसमें? नो मैम। नहीं नो मैम, 100% समझ में आया? ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों की। मैम ये आपने क्वेश्चन में लिखा ना, क्या बेटा? मैम आपने इसमें सिमिलरली दो ट्राइंगल्स लिए हैं, पहले में तो इक्वेशन फर्स्ट वाला ड्राइंग। हाँ आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, मैं आगे बताती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आप लिख सकते हो, दोनों को जब इक्वेट करोगे दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दैट ए एम अपॉन एम बी शुड बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से हमारा ये हो गया प्रूफ, यू कैन राइट एंड प्रूव्ड। बोलो किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? नो मैम प्लीज नोट इट डाउन, इसको समझ लीजिए और फिर नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। वॉज इट डन, क्या हो गया था आपका ये काम? यस मैम। ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि DE ये वाली लाइन ठीक है, और दूसरी एक और लाइन दी हुई है DF, वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है AE के, आपको ये प्रूव करना है। अब कौन बताएगा इसमें, हम इसमें भी हम सिमिलर बिल्कुल जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है ना, सिमिलरली यहाँ पे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें हम? सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल BAC, ठीक है। अब मैं पूछती जाऊंगी आप मुझे बताते जाएंगे। तो इन ट्रायंगल BAC आप मुझे बताइए कौन सी लाइंस पैरेलल हैं किसके BAC में? बोलिए DE is parallel to AC, ठीक है। और मतलब इनको भूल जाओ, इस वाली लाइन को अभी भूल जाओ, इस वाली लाइन को भूल जाओ। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं वो दिखा देती हूँ मैं आपको, कलर से समझाती हूँ, कलर करके ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो ये देखिए अभी हम बात कर रहे हैं ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल पूरा, ठीक है, और इसके अलावा ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है मेन ट्राइंगल। बोलो समझ में आया बेटा सभी को? Yes, ma'am. लेकिन मैम आपने तो ट्राइंगल बीएसी लिया है पूरा। हाँ तो ये लिया है ना हमने पूरा ट्राइंगल ही तो बता रही हूँ मैं बीएसी, लेकिन अभी हम इन दोनों लाइंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है। एसी के पैरेलल कौन सी लाइन है? ये वाली एसी के पैरेलल कौन सी लाइन है? डीई पैरेलल है, ठीक है, इस केस को कंसीडर कर रहे हैं अभी हम। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब हम लिखेंगे आगे, बताओ इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी? बीई अपॉन बीई अपॉन ई सी
will be equals to BD upon BA. BD upon BD upon BA. DA कहो AD कहो एक ही बात है, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और ये हमने कैसे प्रूव किया है, ये कैसे कहाँ से लेकर आए हैं ये वाला रिजल्ट? बाय BPET। अच्छा आप मुझे बताओ आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे दूसरा? ABE। आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब हम लेंगे BDE। हाँ अब हम लेंगे, एक मिनट में इसको इरेज करने की कोशिश करती हूँ, ये कलर हटा देते हैं। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BAE ये वाला, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। कलर करके समझाती हूँ कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। देखिए ये वाला कलर ले लेते हैं। अब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दिस वन, ठीक है। और ये लाइन किसके पैरेलल है? DF किसके पैरेलल है? AE के। तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बताओ बच्चे समझ में आया आपको, है ना? इस ट्रायंगल में DF पैरेलल है AE के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इन ट्रायंगल BAE DF इस बेटा एक मिनट रुकना जरा। एक मिनट रुकिएगा। सर आपको डिस्टरबेंस हो रही है क्या? दांगी सर? हाँ मेरी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है क्या? आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है इस क्वेश्चन को फटाफट खत्म करते हैं। तो DF इज पैरेलल टू हो जाएगा आपके AE। अब बताइए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। BD अपॉन DA। शाबाश। इक्वेशन नंबर टू कहाँ से आया? BPT से। FE होगा हाँ। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब बताइए देखिए इसमें ये वाली साइड्स बराबर है। इसको ना मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको मैं एक काम करती हूँ, इसे इस तरीके से लिखती हूँ, इनको एक ही साइड रखती हूँ तो आप इजीली समझ पाओगे। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बी डी अपॉन ए डी के। राइट हैंड साइड्स आर इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल। तो बी ई अपॉन ई सी should be equals to BF upon FE। और यही हमें प्रूफ करना था, so hence proved। बताओ क्वेश्चन समझ में आया सभी को? Is it understood? Yes ma'am। 100% समझ में आ गया? Yes or no?
यस मैम मैम एक बार और समझा। हाँ ठीक है, दोबारा से बता देते हैं बेटा। पहले हमने लिया था पूरा ट्राइंगल बीएसी, कंप्लीट ट्राइंगल, और उसमें एसी के पैरेलल हमने लाइन देखी थी कि एसी के कौन सी पैरेलल लाइन है। तो एसी के पैरेलल लाइन हमें क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी लाइन पैरेलल गिवन है, डीई। तो उसके हिसाब से जो डीई है, डीई लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है इस वाले ट्राइंगल में बीडीई, और बड़ा वाला ट्राइंगल आपका है बीएसी, उन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। तो ये जो लाइन है डीई, इसके अकॉर्डिंग हमारी साइड्स कौन से प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही हैं, कौन से रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, वो हम लिखेंगे। तो बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। उसके बाद में हमने दूसरा केस कंसिडर किया, जो दूसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में बोली गई है कि डी एफ और ए ई पैरेलल है, डी एफ एंड ए ई पैरेलल है। तो अब की बार हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्राइंगल बी ए ई, इसमें डी एफ और ए ई पैरेलल है। तो डी एफ जो लाइन है डी एफ, वो कौन सी रेशियो में डिवाइड करे इन साइड्स को, तो बी डी अपॉन ए डी विल बी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये रेशियो में डिवाइड करे। फिर जब हमने दोनों इक्वेशंस को देखा तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक साइड अगर बराबर है तो दूसरी साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया। बताओ अभी समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसको, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, आज इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, एक तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई कीजिएगा, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 सब बच्चे ट्राई करेंगे, 5-6, ठीक है। थ्योरम 6.1 को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके मैम, बाय बाय मैम। थैंक यू मैम। हाँ, पूछना है किसी को कुछ मैम? कुछ डाउट है तो वो कब